तो हेलो नमस्ते दोस्तों, तो यूट्यूब तरह से 5 अमेजिंग से अपडेट्स आए हैं। अगर इन अपडेट को आपने नहीं देखा, ये लास्ट वाला जो अपडेट है ना, वो हमारा कॉपीराइट स्ट्राइक से रिलेटिव अपडेट है। उसको आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। तो मैं आपको सबसे पहला वाला अपडेट बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों, सबसे पहला वाला हमारा अपडेट है फॉर यू का, मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, या मैंने अपने यूट्यूब वाइट स्टूडियो पर खोल रखा है डेस्कटॉप साइड पर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है फॉर यू का, कि मतलब रिकमेंडेशन से रिलेटिव है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर यू का जो ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे मेरी स्टोरी, आपकी वाइट स्टोरी में जो वाला ऑप्शन आ गया होगा, यहाँ से हमारे वीडियो रिकमेंडेशन ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मतलब कि जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी वीडियो फेसबुक से रिलेटिव है ना। जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे गए, होम पेज पर आ गए, तो आपको फेसबुक से रिलेटिव वीडियो दिखाएगा। जैसे स्क्रॉल करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, किसी और का चैनल ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्निकल योगी भाई का चैनल ओपन कर लेता हूँ। टेक्निकल योगी भाई का चैनल ओपन करें, यहाँ पे देखते हैं होम पर मेरे को खाली एक वीडियो रिकमेंड कर रही है। ऐसे आपको यहाँ पे स्क्रॉल ऐसे ऐसे कर स्क्रॉल करते हैं, तो ऐसे आपको यहाँ पे 15-20 वीडियो रिकमेंड करी जाएंगी। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे आपको 15 वीडियो ऐसे रिकमेंड करी जाएंगी। ऐसा ही अपडेट आ जाए यूट्यूब की तरफ से। और दूसरा हमारा अपडेट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं ना, तो हमको यहाँ पे होम दिखता है, वीडियो का ऑप्शन, शॉर्ट का ऑप्शन, लाइव का, पॉडकास्ट का, प्लेलिस्ट का, और कम्युनिटी टैब का, और एक चैनल का ऑप्शन होता है, और एक हमारा अबाउट का ऑप्शन होता है। आप किसी भी टैब को यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे योगी भाई ने चैनल का यूज़ नहीं करा था ना, अबाउट सेक्शन का यहाँ पे यूज़ करा था, तो यहाँ से वो हटा दिया गया है। ऐसे अगर मैं भी यूज़ नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अबाउट का सेक्शन यूज़ नहीं करा, तो वो मेरे चैनल से हट चुका है अबाउट का सेक्शन। अब आप सोचोगे कि अबाउट का सेक्शन गया कहाँ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अबाउट सेक्शन यहाँ पे इजीली खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन करने, यहाँ पे मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ऑप्शन है, कि चैनल का ऑप्शन भी यहाँ पे गायब हो चुका है, कम्युनिटी टैब का ऑप्शन खाली बचा है मेरा। अगर आप कम्युनिटी टैब का ऑप्शन का यूज़ नहीं करो, तो आपके कम्युनिटी टैब का ही ऑप्शन गायब हो जाएगा। और यहाँ पे अबाउट में अगर आपको अबाउट देखना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में करना है क्लिक। अगर आपने कोई चैनल ऐड कर रखा है, तो आपको होम पर जाना है, तो आपको नीचे चैनल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड वाला अपडेट। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड कौन सा अपडेट आया यूट्यूब की तरफ से। थर्ड हमारा अपडेट आया कम्युनिटी पोस्ट को लेकर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कम्युनिटी टैब में मैंने करा क्लिक, यहाँ पे मैंने वीडियो शेयर करी है अपनी, है ना। अगर आप किसी और की वीडियो शेयर करते हो ना अपनी कम्युनिटी टैब में, जैसे कि अगर उसकी वीडियो पर कॉपीराइट आ गया, कॉपीराइट स्ट्राइक, तो आपको भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। जैसे अगर उसने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखे हैं, कुछ गलत सलत लिंक दे रखे हैं, जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। आप अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, मतलब कि आप फोटो वगैरह डाल सकते हैं जो नॉन कॉपीराइट होते हैं ना, उनको आप डाल सकते हैं। जैसे आपने फेसबुक से डाउनलोड कर लिया, या आपने इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लिया कोई फोटोज़, और अपनी कम्युनिटी टैब में जा दी, तो आपके कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं। जो पॉलिसी हमारी वीडियो के लिए बनाने के लिए होती है ना, जैसे कॉपीराइट वगैरह कैसे फंसे सब, जो भी पॉलिसी होती है वीडियो बनाने के लिए, वो पॉलिसी हमारी कम्युनिटी टैब के लिए आने वाली है कुछ दिनों में, ऐसा मतलब कि हो जाएगा। जीता हमारा थर्ड अपडेट। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ वाला अपडेट है हमारा गूगल एड्स को ले। पहले हम ऐड खुद ही लगा सकते थे, मतलब दो तरीके के ऐड हम लगा सकते थे, एक स्किप करी जाती वो वाली ऐड, एक होती थी हमारी जो हम जिसको स्किप नहीं कर सकते, वो खाली पूरी ऐड चलती थी। ऐसे हम दो ऐड लगा सकते थे, अब YouTube ने कर दिया खाली, अब आप अपनी ऐड को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, बस खाली ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से ऐड नहीं लगा सकते। तो ये तो हमारा हो गया फोर्थ वाला अपडेट कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ वाला अपडेट कौन सा आया है। फिफ्थ वाला अपडेट हमारा वो वाला है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत से लोग मतलब कोलैब कर लेते हैं, मतलब जो दो जनों का आईडी होती है वो कोलैब कर लेते हैं, कोलैब करके वीडियो बनाते हैं। ऐसा मतलब यूट्यूब पे फ्यूचर आने वाला है, शॉर्ट वीडियो में कोलैब कर सकते हैं। और जो एप्पल वाले फोन होते हैं उनके लिए तो आ चुका है, जो एंड्रॉइड वाले हैं उनके लिए थोड़े दिन बाद आने वाला कोलैब का ऑप्शन, शॉर्ट वीडियो में आप कोलैब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए, वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। तब तक के लिए बाय।